हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नोट्स के माध्यम से ICF बोगी के साइलेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे, जिसमें प्राइमरी सस्पेंशन, सेकेंडरी सस्पेंशन एवं ब्रेक गियर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही ए और बी क्लियरेंस कहाँ होता है एवं उनका डायमेंशन कितने होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। रेलवे में कितने प्रकार के गियर प्रयोग में आते हैं इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ICF ट्रॉली, अगर बात करें इसके परिचय की, तो ICF की स्थापना हमारा 1952 में हुई थी और इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जिसकी स्थापना हमारा पेराम्बूर चेन्नई में की गई थी 1952 में। तब से हमारे रेलवे में कोचों का निर्माण वहां किया जाते रहा है, लेकिन दिसंबर 2018 से ICF कोचों का निर्माण बंद कर दिए गए हैं भारतीय रेलवे के द्वारा, और उसकी जगह हमारा LHP और हाइब्रिड कोच का निर्माण किए जा रहे हैं। अगर बात करें मेन कंपोनेंट्स की ICF बोगी की, तो हमारा अंडर फ्रेम, जिसमें हमारा सोल बार, हेड स्टॉक, ट्रांजम और लॉन्गिट्यूडनल बार आते हैं। नेक्स्ट बात करें कि प्राइमरी सस्पेंशन में हमारा कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो हमारा डैशबोर्ड स्प्रिंग, डैशबोर्ड प्रोटेक्शन ट्यूब, एयर बेंट स्क्रू, एक्सल बॉक्स और सेफ्टी बोल्ट, एक्सल बॉक्स विंग एवं लग, सेफ्टी स्ट्रेप एवं लूप और एक्सल बॉक्स प्लेट आते हैं। नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी सस्पेंशन में हमारा कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो हमारा बोगी बोलस्टर लोअर प्लैंक, सस्पेंशन लिंक पिन और स्टोन, जिसे सस्पेंशन लिंक को हम BSS हैंगर के रूप में जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हमारा बोलिस्टर स्प्रिंग वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर, सेफ्टी स्ट्रेप एवं लूप, इक्वलाइजिंग स्टेरॉड, एंकर लिंक, सेंटर रिबेट काटर एवं स्प्लिट पिन एवं कप। अगर बात और इसके अलावा साइलेंट ब्लॉक, साइड बियर हाउजिंग, साइड बियर मेटल प्लेट और साइड बियर ब्रॉन्ज बियरिंग पीस होते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन के अंतर्गत। और बात करें ब्रेक गियर के अंतर्गत हमारा कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो हमारा ब्रेक बीम हैंगर एवं सेफ्टी ब्रैकेट, ब्रेक सेफ्टी बायर रोप, ब्रेक शू एवं की, क्लच, स्प्लिट पिन और ब्रेक ब्लॉक हमारा आते हैं। हमारा इसके अलावा जेड आर्म लीवर ब्रैकेट होते हैं, कनेक्टिंग लीवर, ट्रस बार पामेंट एवं ट्रस बार हैंगर होते हैं। अब जानते हैं कि प्राइमरी सस्पेंशन हमारा कहाँ होते हैं ICF बोगी में, तो जो हमारा चक्के की साइड पर जितना हमारा कंपोजिशन होते हैं वो हमारा प्राइमरी सस्पेंशन के अंतर्गत आते हैं, और जो हमारा मिड वाले पार्ट होते हैं दो चक्कों के बीच में, ये हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे कि हमारा प्राइमरी सस्पेंशन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ये हमारा हेलिकल स्प्रिंग, बोगी फ्रेम, सेफ्टी बोल्ट होते हैं और ये हमारा एक्सल बॉक्स क्राउन है, और सेफ्टी बोल्ट के बीच जो गैप होते हैं हमारा, वही हमारा ए क्लियरेंस कहलाते हैं, यानी द गैप बिटवीन सेफ्टी बोल्ट एंड एक्सल बॉक्स इज नोन एज ए क्लियरेंस। और इसकी बात करें डायमेंशन की, अगर ए क्लियरेंस की, तो हमारा 13 टन के लिए 43+0-3 mm और 16 टन के लिए हमारा 27+0-3 mm होते हैं। बात करें सेकेंडरी सस्पेंशन में हमारा, ये हमारा वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर, ये हमारा बोलिस्टर और ये हमारा बोलिस्टर हेलिकल स्प्रिंग होते हैं, और ये हमारा लोअर प्लैंक हो जाते हैं। अगर बात करें सेकेंडरी सस्पेंशन में बी क्लियरेंस कहाँ पर होते हैं, तो हमारा ये हमारा बोलस्टर और बोगी फ्रेम के बीच जो गैप आप देख पा रहे होंगे,
ए गैप वो हमारा बी क्लियरेंस के रूप में जाने जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि द गैप बिटवीन ब्लस्टर एंड बोगी फ्रेम सोल बार इज नोन एज बी क्लियरेंस। इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो हमारा 40 प्लस माइनस 5 mm हमारा होते हैं, जो सभी कोच पर सभी टाइप के 13 टन और 16 टन के लिए लागू होते हैं बी क्लियरेंस की। अगर बात करें वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर की लेंथ की अगर बात करें जो हमारा फ्री हाइट में 320 प्लस माइनस 3 mm होते हैं, जबकि अगर बात करें जब झटके वगैरह लगते हैं तो मिनिमम हमारा 250 प्लस माइनस 3 mm होना चाहिए। अगर बात करें साइलेंट फीचर्स की ICA बोगी की तो हमारा बोगी भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज 1676 mm ट्रैक पर चलने वाली निर्मित की गई है। इसमें हमारा प्राइमरी एवं सेकेंडरी सस्पेंशन में क्वाइल स्प्रिंग की प्रयोग किए गए हैं, अतः इसे हम ट्रोली को ऑल क्वाइल बोगी भी कहते हैं। इसकी बात करें व्हील बेस की कि कितना होता है हमारा, तो ये हमारा 2896 mm हमारा व्हील बेस होते हैं। कोच बॉडी का वजन 1600 mm की दूरी पर स्थित साइड मिरर पर के माध्यम से बोगी पर स्थानांतरित होते हैं हमारा। एक्सल क्षमता की बात करें, एक्सल कैपेसिटी की, तो 13 टन हमारा नॉन एसी के लिए होते हैं तथा एसी के लिए हमारा 16 टन होते हैं। अगर बात करें कि पैकिंग साइज में कितना कितना प्रयोग होते हैं, तो जब हमारा चक्की की डायमीटर 889 mm से 863 mm तक होते हैं तो हम 13 mm का पैकिंग का प्रयोग करते हैं। जब हमारा 863 mm से 839 mm तक हमारा चक्के का साइज होते हैं तो हम 26 mm पैकिंग का प्रयोग करते हैं। जब हमारा 839 से 819 mm तक चक्के का साइज होते हैं तो हमारा 38 mm पैकिंग का प्रयोग करते हैं। जब हमारा 819 या उससे नीचे हमारा चक्के का साइज हो जाए तो हम 48 mm पैकिंग का प्रयोग चक्के के साथ करते हैं, जिससे हमारा बफर हाइट के मेंटेन में डिफेंस होने में कोई डिफेक्ट ना आए। अगर बात करें व्हील डाया की ICA बोगी की तो ये हमारा न्यू अवस्था में 915 mm जब कंडेम्ड होते हैं, जिसमें हम हटा देते हैं, तो वो हमारा मिनिमम 825 mm होना चाहिए। अगर बात करें कि जब वर्कशॉप से रिलीज होते हैं तो मिनिमम हमारा 827 mm होना चाहिए चक्के का डाया। अगर बात करें कि ICA बोगी में ICA कोच में हमारा कौन सा बियरिंग का प्रयोग किए जाते हैं, तो हमारा स्पेरिकल रोलर बियरिंग का प्रयोग किए जाते हैं। एक क्लियरेंस हमारा 13 टन के लिए 43 प्लस 0 माइनस 3 mm और 16 टन के लिए हमारा एक क्लियरेंस 27 प्लस 0 माइनस 3 mm होते हैं। ये हमारा एक्सल बॉक्स क्राउन और सेफ्टी बोल्ट के बीच का क्लियरेंस होते हैं। अगर बात करें बी क्लियरेंस की तो हमारा 40 प्लस माइनस 5 mm जो हमारा ऑल टाइप के बोगी के लिए ICF में होते हैं, ICA बोगी में। और यह कहाँ होता है तो हमारा बोलिस्टर टॉप और सोल बार के नीचे के जो गैप होते हैं वो हमारा बी क्लियरेंस के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करें कि ICA बोगी में हमारा कौन सा ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किए जाते हैं, तो हमारा के टाइप ब्रेक ब्लॉक प्रयोग किए जाते हैं, जिसका डायमेंशन हमारा 260x76x49 mm होते हैं, जो हमारा 12 mm होने पर कंडेम कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा राइडिंग इंडेक्स की, तो हमारा 3.25 से लेकर 3.75 तक हमारा ICA बोगी में राइडिंग इंडेक्स होते हैं। अगर बात करें राइडिंग इंडेक्स क्या होता है, तो जिस बोगी का हमारा यानी जिस कोच का हमारा राइडिंग इंडेक्स कम होगा उसमें हमारा यात्री आरामदायक महसूस करेंगे, और जिसका राइडिंग इंडेक्स ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा उसमें हमारा झटके ज़्यादा महसूस होंगे और आरामदायक हमारा कम महसूस होंगे। नेक्स्ट हमारा है पिस्टन स्ट्रोक का डायमेंशन हमारा कितना होता है, तो हमारा अगर बात करें कन्वेंशनल टाइप कोच में हमारा 90 जो हमें पहले प्रयोग किए जाते थे ICF में वैकम ब्रेक सिस्टम में, तो हमारा 90 प्लस माइनस 10 mm होते थे, लेकिन वर्तमान में ICF में हमारा BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किए जाते हैं, जिसका डायमेंशन हमारा पिस्टन स्ट्रोक का 32 mm होते हैं। स्पीड की अगर बात करें
कि हमारा आईसीएफ बोगी में स्पीड कितने होते हैं, तो ये हमारा 110 किलोमीटर पर आवर होते हैं। लेकिन अगर टेस्टिंग की बात करें तो 140 स्पीड पर इसका टेस्टिंग अगर जनरल साइज की, तो जनरल साइज में हमारा स्लीप माउंटेड में हमारा डायमेंशन हमारा 120x113.5 mm का होते हैं, जबकि डायरेक्ट माउंटेड में हमारा जनरल साइज 120x130.5 mm का होते हैं। जनरल सेंटर की बात करें कि आईसीएफ बोगी का जनरल सेंटर कितना होता है, तो ये हमारा 2159.5 mm का हमारा होते हैं। ट्रस बार, जो ट्रस बार हैंगर होते हैं जिसे हम ब्रेक बीम हैंगर बोलते हैं, इसकी लंबाई हमारा नए अवस्था में 235 mm, जब हमारा कंटेम्ड हो जाते हैं ये हमारा 205 mm का होते हैं। अगर बात करें ब्रॉन्ज पीस की, तो साइड बियरर हाउजिंग में हार्ड ग्राउंड प्लेट के ऊपर डाला जाता है। ये अर्ध गोलाकार होते हैं और इसकी अर्ध गोलाकार ये भाग हमारा ऊपर की ओर तथा समतल भाग नीचे की ओर होते हैं। इसकी साइज की अगर बात करें तो नए अवस्था में हमारा 45 mm और कंडेम्ड अवस्था में हमारा 42 mm का होते हैं। अगर बात करें हार्ड ग्राउंड प्लेट की, तो हमारा यह हमारा साइड बियर हाउजिंग में डाला जाता है। यह 10 mm की नई में होती है और इसके बीच से जब 1.5 mm का घिसाव हो जाए तो इसे कंडेम कर देते हैं, यानी जब 8.5 mm का हमारा घिसकर हो जाए तो हम इसे हार्ड ग्राउंड प्लेट को हम कंडेम कर देते हैं। अगर बात करें लग का, तो लग ये कहाँ होता है, तो ये हमारा सेफ्टी लूप एवं लग के बीच का जो क्लियरेंस होता है वो हमारा 40 mm के होते हैं। आईसीएफ में दोनों साइड बियर की बीच की अगर गैप की बात करें तो ये हमारा 1600 mm का होते हैं, जबकि कैसनब में हमारा ये हमारा 1474 mm का होते हैं। बीएलसी में हमारा 1750 mm का साइड बियर के बीच क्लियरेंस होते हैं। बात करें बीएमबीसी में, यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में चक्के का व्यास जब जो हमारा कमते हैं डायमीटर उसका, तो हम लीवर पिन की जो ए होल और बी होल होते हैं, तो उसमें हम जब 915 mm से लेकर 839 mm तक चक्के का डाया होते हैं, जो हमारा कनेक्टिंग लीवर होते हैं उसको हम ए होल में डालते हैं। जब हमारा 839 से 813 mm हमारा चक्के का डाया हो जाए तो हम कनेक्टिंग लीवर में हम पिन को हम बी होल में डाल देंगे, जिससे हमारा ब्रेकिंग सिस्टम में काफ़ी अच्छे बने रहें। अगर बात करें आईसीएफ बोगी में पार्ट्स की, तो बोगी फ्रेम, बुलस्टर इक्वलाइजिंग स्टेरॉड, बुलस्टर स्प्रिंग, वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर, एंकर लिंक, सेंटर पिवट, साइड बियरर, डैशपॉट, सेफ्टी स्टेप, ट्रस बार, लिंक पिन और स्टोन, एक्सल बॉक्स, ब्रेक ब्लॉक और ब्रेक शू। अगर बात करें बोगी फ्रेम की, तो ये इसमें दो सोल प्लेट तथा हेड स्टॉक होते हैं। इनको मजबूत करने के लिए उचित स्थानों पर लॉन्गिट्यूडनल लगा दिए जाते हैं। साइड फ्रेम के दोनों सिरों पर एक्सल गाइड लगा दिए जाते हैं। बुलस्टर की अगर बात करें, तो यह लाइट प्लेटों द्वारा बेल्डिंग से जोड़कर बनाया गया है। बुलस्टर के बीच में सेंटर पिवट के लिए सीट बनी है, ऊपर दोनों तरफ साइड बियरर के लिए हाउजिंग बनी है। बुलस्टर में दो प्लैंकों का बना होता है, जिसमें हमारा अपर प्लैंक और लोअर प्लैंक होते हैं। यह दोनों तरफ से साइड फ्रेम पर लिंक स्टोन और पिन की सहायता से लटका हुआ रहता है। बात करिए अगर इक्वलाइजिंग स्टेरॉइड की, तो लोअर प्लैंक बुलस्टर की ब्रैकेट में इक्वलाइजिंग स्टेरॉइड द्वारा तिरछी धुरी पर पिन लगाकर बाधा जाता है। यह बुलस्टर स्प्रिंग के लेटरल झटकों को रोकता है, क्योंकि स्प्रिंग पट्टी से आने वाले लेटरल झटकों को सहन नहीं कर सकती। सेकेंडरी सस्पेंशन प्रबंध की ऊपर नीचे की चाल को भी नियंत्रित करते हैं तथा बुलस्टर और स्प्रिंग प्लैंक को तिरछा नहीं होने देते हैं। अगर बात करें हमारा इक्वलाइजिंग स्टेरॉइड की लंबाई की, तो हमारा नए अवस्था में 672 mm, जो हमारा 1600 टन के लिए होते हैं, और 722 mm हमारा 13 टन के लिए होते हैं। यह हमारा बुलस्टर और लोअर प्लैंक के बीच लगे होते हैं।
ब्लस्टर स्प्रिंग की अगर बात करें तो ये हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन में आते हैं। यह फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग है जो हैंगर की सहायता से लटके लोअर प्लैंक और ब्लस्टर पर रखी गई है, जिसके ऊपर तथा नीचे रबर पर पैड रखे हुए होते हैं। कॉइल की फ्री हाइट 385 mm होती है और अंडर टेपर कंडमिंग हाइट हमारा जब इस पर दबाव पड़ते हैं तो 372 ± 3 mm का हाइट होना चाहिए ब्लस्टर स्प्रिंग का। अगर बात करें कि इसमें तीन टाइप के कलर हमारा ब्लस्टर स्प्रिंग में आते हैं तो हमारा ये पहला हमारा येल्लो, दूसरा ब्लू और तीसरा हमारा ग्रीन कलर का आते हैं। अगर बात करें येल्लो कलर का तो हमारा इसकी फ्री हाइट 301 mm से 305 mm, सेकेंड हमारा 306 से 311 mm का होते हैं और ग्रीन कलर का ब्लस्टर स्प्रिंग की फ्री हाइट हमारा 312 से 317 mm के होते हैं। अगर बात करें कि ब्लस्टर स्प्रिंग की डाया की तो हमारा 42 mm इसका डाया होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर। आईसीएफ बोगी में वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर ब्लस्टर अपर प्लैंक तथा लोअर प्लैंक पर दोनों स्प्रिंगों के मध्य लगा होता है। यह रेल पट्टी से आने वाले झटके को ब्लस्टर से बचे हुए झटके को सहन करते हैं और यात्रियों को सुखद यात्रा प्रदान करते हैं। वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर की क्षमता ब्रॉड गेज में हमारा 10 cm/s स्पीड पर 600 ± 60 kg होते हैं। एक ट्रॉली में या दो लगे होते हैं। इसमें इसका नया साइज हमारा 320 तथा कंडमिंग साइज हमारा 350 mm हो जाते हैं। अगर बात करें एंकर लिंक की तो बोगी फ्रेम और ब्लस्टर के बीच में एंकर लिंक लगते हैं। साइड फ्रेम के समांतर ब्लस्टर के दोनों तरफ एक दूसरे से विपरीत दिशा में लगे होते हैं। यह ट्रॉली तथा ब्लस्टर को सीधी दिशा में रखते हैं तथा चौकोर अलाइनमेंट बनाए रखते हैं। एंकर लिंक में साइलेंट बुश लगे होते हैं ताकि गाड़ी में के चलते समय शोर को दूर करते हैं और कोच बॉडी तथा बोगी को खींचने एवं ब्रेक लगने की ताकत को भेजते हैं। अगर बात करें एंकर लिंक की लंबाई की तो हमारा 451 ± 1 mm होते हैं। अगर इसकी हाउजिंग की बात करें तो हमारा 90 ± 5 mm का होते हैं तथा पिन हमारा 25 mm का होते हैं। जबकि एंकर लिंक की अगर वर्क की बात करें कार्ज की तो जब गाड़ी मुड़ती है यानी कर्प होती है तो गाड़ी को सीधी अलाइनमेंट बरकरार रखने में सहायता करती है हमारा एंकर लिंक। अगर बात करें सेंटर पिवट की तो ये हमारा ऑल कॉइल आईसीए बोगी में सेंटर पिवट कोच बॉडी का भार सहन नहीं कर सकता, केवल गाड़ी खींचने एवं ब्रेक लगाने की ताकत को बोगी से बॉडी तथा बॉडी से बोगी को भेजते हैं और गोलाई में बोगी एवं बॉडी को घुमाने में सहायता प्रदान करते हैं। पिन लूज फिट होती है, इसमें ग्रेफाइट पाउडर लुब्रिकेट डाला जाता है। कोच के बीच में यह होते हैं और इसकी बाहरी डाया की बात करें सेंटर पिवट की तो हमारा 145 mm तथा इनर डाया की बात करें हमारा 75 mm का होते हैं। इसकी कार्ज की बात करिए तो ये हमारा कोच बॉडी एवं ट्रॉली को कनेक्ट करने में सहायता प्रदान करते हैं। कोच के ट्रैक्टिव एवं ब्रेकिंग फोर्स को ट्रांसमिट भी करती है और इसमें साइलेंट ब्लॉक लगे होते हैं जो एंगुलर वाइब्रेशन को डैम्प करते हैं। साइलेंट ब्लॉक की लंबाई की बात करें तो एक हमारा 170 mm का होते हैं साइलेंट ब्लॉक की लंबाई। नेक्स्ट हमारा है साइड बियरर, यानी बोगी ब्लस्टर के ऊपर दोनों तरफ ट्रांजम में साइड बियरर की हाउजिंग बनी होती है। इस हाउजिंग के आधार पर एक बियरिंग प्लेट फिट किए जाते हैं। इस प्लेट के ऊपर कांसे की बियरिंग पीस जिसका आकार आधी काटी गेंद जैसा होता है लगा रहता है। इसकी गोलाई वाले भाग को ऊपर की ओर रखते हैं। इसकी ऊँचाई 45 mm नए साइज में होते हैं। जब यह घिंच कर 42 mm हो जाए तो इसको हम कंडेम कर देते हैं। अगर बात करें कि हमारा साइड बियरर में कौन सा तेल डाले जाते हैं तो हमारा लुब्रिकेट 100 डाले जाते हैं वाइल। ये हमारे इसकी मात्रा की अगर बात करें तो ये हमारा 2.5 लीटर का होते हैं जो हम इसमें इस 2.5 लीटर तेल का प्रयोग लुब्रिकेट 100 का प्रयोग हम साइड बियरर में करते हैं और इतना डालते हैं ताकि ब्रांच पीस पूर्ण रूप से डूब बैठ कर कोच बॉडी का भार ब्लस्टर को भेजते हैं। और कोच का अधिकतम भार हमारा साइड बियरर पर ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैशपॉट।
ये हमारा ICF कोच की बोगी में सभी चारों एक्सल बॉक्स के दोनों ओर एक्सल गाइड तथा हाइड्रोलिक डैशबोर्ड लगे होते हैं। इस पर डैशबोर्ड स्प्रिंग लगी होती है, इसे प्राइमरी सस्पेंशन कहते हैं, क्योंकि चक्के द्वारा रेल से आने वाले झटके को सर्वप्रथम डैशबोर्ड ही सहन करता है। यह बोगी फ्रेम एक्सल बॉक्स और चक्के के साथ लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल से संबंध बनाए रखते हैं। प्रत्येक डैशबोर्ड में तेल की मात्रा नॉन मॉडिफाइड के लिए हमारा वह नॉन मॉडिफाइड के लिए बात करें तो 1.6 लीटर और मॉडिफाइड के लिए हमारा 1.4 लीटर होते हैं। अगर बात करें कौन सा ऑयल हम प्रयोग करते हैं तो हमारा लुब्रिकेट 100 प्रयोग करते हैं वर्तमान में, लेकिन इससे पहले हमारा सेलिकॉर्निया 41 13.0 का प्रयोग किए जाते थे। अगर बात करें कितनी ऊंचाई तक तेल की मात्रा रहती है, ये हमारा 40 mm तक हमारा तेल की मात्रा और 1.4 लीटर हमारा मॉडिफाइड के लिए और नॉन मॉडिफाइड के लिए हमारा 1.6 लीटर ऑयल की मात्रा प्रयोग की जाते हैं। डैशबोर्ड स्प्रिंग की डाया बाय डाया की बात करें तो हमारा 33.5 mm, इसमें भी हमारा तीन कलर का स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं। अगर बात करें येल्लो का, जिसकी हमारा फ्री हाइट 279 से 284 mm, ब्लू कलर की बात करें तो हमारा 285 से 289 और ग्रीन कलर का हमारा 292 से 295 mm तक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिंक पिन स्टोन और सेफ्टी स्ट्रेप। निचला प्लैंक बोलिस्टर बोगी के दोनों ओर लिंकों के द्वारा साइड फ्रेम पर लगे बोलिस्टर सस्पेंशन ब्रेकेटों से जुड़ा गया है। लिंक को स्टोन और पिनों के माध्यम से जोड़ा जाता है। लिंक के ऊपर से 7 डिग्री का कोण बनाते हैं। यह ट्रॉली के दोनों तरफ लगे होते हैं। इनकी संख्या एक ट्रॉली में हमारा लिंक हमारा 8, पिन 8 तथा स्टोन हमारा 16 होते हैं। लिंक की लंबाई अंदर की ओर से हमारा 410 mm होते हैं। नेक्स्ट हमारा है BSS हैंगर यानी बोगी सस्पेंशन यानी बोगी बोलस्टर सस्पेंशन हमारा इसका फुल फॉर्म होते हैं। और जो हमारा क्वाल स्प्रिंग हो दो प्रत्येक साइड के ऊपर रखा जाता है। स्प्रिंग प्लैंक बोलस्टर स्प्रिंग सस्पेंशन हैंगर BSS हैंगर के द्वारा साइड फ्रेम से सस्पेंड होते हैं। इसकी नया साइज हमारा 384 और कंडेम साइज हमारा 387 mm का होते हैं। नेक्स्ट हमारा है हेलिकल स्प्रिंग। ICF ट्रॉली में प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन में क्वाइल स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं, अतः इस ट्रॉली को हम ऑल क्वाइल बोगी भी कहते हैं। अगर बात करें कि जब आयोज किए जाते हैं ICF बोगी की, तो उस समय हमको कौन कौन से पार्ट्स को डिसकनेक्ट करना होते हैं, तो सबसे पहला हमारा सेंटर पिवट के कार्टर को हटाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक सिलेंडर के फ्लेक्सिबल पाइप को हमारा हटाना पड़ता है, ताकि हमें कोच और ट्रॉली को हटाने में दिक्कत ना हो। अगर बात करें कि भारतीय रेलवे में कितने प्रकार के गियर का प्रयोग किए जाते हैं मुक्त ICF कोच के लिए, तो हमारा पहला हमारा रनिंग गियर, ब्रेक गियर, ड्रॉ एवं बफिंग गियर, सस्पेंशन गियर एवं अंडर गियर का प्रयोग किए जाते हैं। अगर बात करें कि रनिंग गियर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं ICF कोच के लिए, इसमें तीन भाग आते हैं। पहला हमारा एक्सल, व्हील एवं बियरिंग आते हैं रनिंग गियर के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा है अंडर गियर के अंतर्गत हमारा सोलबार, हेड स्टॉक, ट्रांजम और बोलस्टर आते हैं। ये हमारा सेंटर पिवट के आप देख सकते हैं इमेज, आप यहीं पर हमारा साइलेंट ब्लॉक लगे होते हैं, जिसकी लंबाई हमारा 170 mm होते हैं। और जब डिस्कनेक्ट करना होता है बोगी को कोच से, तो यही कार्टर को हम डिस्कनेक्ट करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ये चक्के का जो हमारा एक्सल चक्के हैं, ये हमारा फ्लेंज, ये हमारा जनरल होते हैं, ये हमारा ट्रेड, इनर हब होते हैं एक्सल। और व्हील गेज की बात करें हमारा, तो 1600 प्लस 2 माइनस 1 mm हमारा व्हील गेज होते हैं। ये हमारा जनरल कैप होते हैं। तथा बात करें हम कि फ्लेंज की कर्व जो हमारा रेडियस, वो हमारा 14.5 mm का रेडियस हमारा होते हैं।
अगर बात करें कि फ्लैंज की जो हमारा चक्के का चौड़ाई कितने होते हैं, तो ये हमारा 128 mm का होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जब गाड़ी चलती है तो हमारा वेट का ट्रांसमिशन कैसे होता है ICF बोगी में, उसके बारे में जानते हैं। जब गाड़ी चलती है तो वेट का ट्रांसमिशन हमारा सबसे पहले बोगी फ्लोर से बॉडी अंडर फ्रेम, बोगी ब्लस्टर, बॉडी साइड बीरर, बोगी साइड बीरर, बोगी ब्लस्टर, इसके बाद हमारा बोगी लोअर प्लैंक, बोगी सोलबार, एक्सल बॉक्स विंग्स, एक्सल बॉक्स हाउजिंग, रोलर बियरिंग, जनरल एक्सल, व्हील डिस्क एवं ट्रैक, और लास्ट में हमारा ग्राउंड में जाकर बेट का ट्रांसमिशन हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि ड्राफ्ट फोर्स जो हमारा ब्रेकिंग लगते हैं तो फोर्स किस प्रकार हमारा लगते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्क्रू कपलिंग, हेड स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम, सेंटर पिवट, बोगी ब्लस्टर, एंकर लिंक, बोगी ट्रांजम, बोगी सोलबार, डैशबोर्ड गाइड बुश, डैशबोर्ड फ्लैंज, एक्सल बॉक्स विंग्स, एक्सल बॉक्स रोलर बियरिंग, जनरल एक्सल और व्हील डिस्क, लास्ट में हमारा ड्राफ्ट फोर्स का ट्रांसमिशन हमारा हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रेकिंग फोर्स का ट्रांसमिशन हमारा ICF कोच में कैसे होते हैं, तो हमारा सबसे पहले ब्रेक सिलेंडर से हमारा ब्रेकिंग सिस्टम यानी पिस्टन बाहर निकलते हैं, पिस्टन रड से होते हुए फ्लोटिंग रिवर, कर्व पुलर, ब्रेक बीम, ब्रेक शू, ब्रेक ब्लॉक से हमारा व्हील सेट पर जब चक्के ब्रेक ब्लॉक चपकते हैं तो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम लग जाते हैं, ब्रेक लग जाते हैं गाड़ी का। उसके बाद हम जनरल से होते हुए रोलर बियरिंग, एक्सल बॉक्स, डैशबोर्ड असेंबली, बोगी सोलवार, बोगी ट्रांजम, एंकर लिंक, बोगी ब्लस्टर, सेंटर पिवट, बोगी बॉडी ब्लस्टर और बॉडी अंडर फ्रेम से होते हुए हमारा गाड़ी रुक जाती है। अगर बात करें सस्पेंशन गियर में हमारा कौन सा पार्ट्स आते हैं, तो हमारा डैशबोर्ड स्प्रिंग, ब्लस्टर स्प्रिंग, इक्वलाइजिंग स्टीयर एवं वर्टिकल शॉक अब्जर्वर हमारा सस्पेंशन गियर में हमारा आते हैं। बाकी हमारा एक हमारा आते हैं ड्रॉ एवं बफिंग गियर, जिसे हम पहले से ही पढ़ा चुके हैं, इसलिए आई बटन में वीडियो दे दिए जाएंगे, आप उस ड्रॉ एवं बफिंग गियर के बारे में जान सकते हैं।